पूर्णिया 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 पूर्णिया। ये लड़का मिला हम लोग को तो बोला भैया देखा। तो आज मेरा क्लास है और जिसके लिए पूर्णिया जा रहे हैं। धूप भी निकल गया है तो बाइक से ही निकल चुके हैं। देखते हैं वहाँ रास्ते में आती बोला है भाई कार से ही चलना, क्या कि लौटते टाइम हो जाता है ठंडा, तो जाते हैं फटाफट जल्दी से, क्या कि लेट काफ़ी हो चुका है। 11 बजे ही से था कॉलेज में जाना था, जा रहे हैं फिर फटाफट जल्दी से निकल। तो घर से अब निकल चुके हैं, पहले तो गए थे शुभम भाई को लिए मीरगंज से, फिर वहाँ से आए अतिक के दुकान पे, तो उसके बाद अतिक भाई के कार से जा रहे हैं आज पूर्णिया, क्योंकि सुबह जाने में तो भाई ठंड नहीं रहता है, ऐसे धूप निकल चुका है आज, लेकिन उधर से लौटते टाइम में काफ़ी ठंड हो जाता है। तो मेरे साथ है शुभम भाई हेलो, जो कि आगे बैठे हुए हैं, और ये भैया हैं, नाम तो इनका जानते नहीं है, हाँ तो मोहम्मद सजाद जी हैं और वो ड्राइव कर रहे हैं। अतिक भाई इधर मालिक साहब गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहे हैं। तो फिर चलते हैं पूर्णिया कॉलेज, 11 बजे से टाइम था हम लोग का। तो भैया यही कॉलेज है जहाँ हम लोग अभी जाएंगे। आ गया पहुंच गया गाड़ी सलमान। अरे बच्चा सब कहाँ है देखो? कोई बच्चा नहीं, हम ही लोग हैं जो है सो है। तो अब क्लास चल हो गया, कहीं लगा दो पार्क इधर उधर कर, किधर तक कैसे लगा देखना सब देखते हैं मास्टर वहाँ सब लगा उधर लगा था। तो भाई देख सकते होंगे यहाँ पे, मतलब यहाँ का जो नेचर ब्यूटी है काफ़ी शानदार है। तो भाई फाइनली कॉलेज पहुंच चुके हैं और ये मेरे सर अशोक सर का कार है, वो पहले पहुंच चुके हैं, इस यहाँ पे टीचर पहले पहुंचता है और हम लोग काफी लेट। और ये है कॉलेज का ग्राउंड, फुटबॉल खेलने का मन कर रहा है। हम लोग कई बार आ चुके हैं पहले भी, लेकिन 100 करोड़ रुपया तुम भाई तुम चुप रहो, 100 करोड़ में तुम मना। हम लोग फाइनली कॉलेज पहुंच चुके हैं और ये एंट्रेंस है, गेट है और यहाँ से स्वागतम लिखा हुआ है हम लोग के लिए। तो चलते हैं फिर अंदर देखते हैं और वहाँ देख पा रहे होंगे। तो भाई हम लोग यहाँ, तो भैया स्वामी विवेकानंद जयंती, उसके लिए प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ आप देख सकते हैं, मतलब स्टूडेंट के पढ़ने के लिए पेपर दिया हुआ है ताकि आप आइए। ये हिंदी पेपर, ये रहा हिंदी पेपर, पीछे है इंग्लिश पेपर और उधर क्लास चलता है। और ये है पूरा मतलब एरिया जहाँ पे मतलब आप बैठ सकते हैं प्रोग्राम सब खत्म होने के बाद या क्लास करने के बाद। और ये होता है बाहर जाने का एरिया, इससे आप मतलब क्लास के पीछे आ सकते हैं। वो रहा आपका बॉयज़ हॉस्टल और उसके अपोजिट में आता है गर्ल्स हॉस्टल, काफ़ी बड़ा में है। हम लोग तो छत पे गए हुए थे लेकिन अभी नहीं आए हैं। और यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है, हम लोग पिछले क्लास में गए थे तो उधर हॉर्टिकल्चर था, वहाँ गए हुए थे। 100 एकड़ से ज़्यादा कॉलेज होगा? हाँ 100 एकड़ में होगा, 100 एकड़ से कम भी ना होगा, जो भी है जितना में उससे क्या हमको है। तो भैया अंदर में भी फिलहाल प्रोग्राम चल रहा है, उसके बाद फिर सर बोले हैं कि अभी रुकना जाना नहीं, प्रोग्राम के बाद कुछ नाश्ता वास्ता का जो हम लोग का डेली का रहता है वो प्रोग्राम है, मतलब प्रोग्राम क्या है खाने का है वो खा। तो बात ऐसा है भाई, खाना इतना टेस्टी था, शुभम भैया खा रहे हैं, हम अपना खाना इतना टेस्टी खाना था कि अतिक भैया बोले कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है खाने में, तो अतिक को बोले कि भैया मेरे हिस्सा का भी सब पूरी दे दिए इनको, राजा भैया भी अपना पूरी, सब्जी खट्टा नहीं है, सब खाना इतना टेस्टी था कि अतिक भैया बोले सबके हिस्सा खाना हम ही खाएंगे भाई, देखो पूरा भर के। तो हम लोग का मतलब जो आज था ये क्या कहते हैं फील्ड विजिट पे आए थे, लेकिन क्या कहते हैं कुछ ये विवेकानंद स्वामी विवेकानंद का कुछ ये था प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम हो गया खत्म, तो जा रहे हैं फिर पानी पीते हैं फिर निकलेंगे।
कुछ विजिट विजिट करना है, कुछ मतलब दिखाया जाएगा सर के साथ, फिर तब फिर उसके बाद फिर निकलेंगे घर के लिए। फिलहाल नाश्ता दिया गया था, नाश्ता इतना टेस्टी था कि हम लोग शुभम भैया को पूरा खिला दिए। सब्जी तुम फेंका भाई, तुम तो खा रहा था, झूठ तो मत बोलो। और सब्जी इतना खट्टा था, उतना खट्टा सब्जी, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, पिन बन जाएगा। तो भैया कंप्लीट सब कुछ, और यह है कॉलेज का ग्राउंड, कॉलेज एरिया। और उसके बाद पहले बैग को रखते हैं कार में, पानी पी करके फिर देखते हैं कहाँ सर बोले जाने के लिए, नहीं कुछ कुछ काम है, देखते हैं घूमते हैं कहाँ ले जाते हैं। क्या कहते हैं, हीटर बंद करो भाई, शीशा नीचे ऑन करो। अरे वाह, कार में सब कुछ है, हीटर वीटर सब है कार में। तो भैया क्लास हो गया कंप्लीट, और आज से 10 साल पहले लिए था, न्यू ड्राइवर है भैया, आज अतिक भाई गाड़ी चला रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं क्योंकि नया ड्राइवर है, तो भाई जान हथेली पे ले लिया गाड़ी तो कोई बुला। ये ट्रैक्टर देख सकते हो आप लोग, अरे ये तो वो ट्रैक्टर है, क्या कहते हैं 4x4। और आपको अरे शीशा खुल नहीं रहा, ये है बॉयज एरिया, बॉयज हॉस्टल एरिया, और आगे सामने है गेस्ट हाउस। और टोटो क्या कर रहा है, अरे भाई सीट बेल्ट नहीं लगाया, सो दिस इज द क्या कहते हैं बॉयज हॉस्टल एरिया। एंड सामने है शायद ये लगता है हमको टीचर उचर के, ये सामने में ये अपार्टमेंट भाई, इधर इधर इधर, और ये है ये टीचर के लिए, मतलब टीचर्स टीचर्स टीचर का ये क्या कहते हैं एरिया, थूक दो थूक दो ना। अरे भाई और एग्रीकल्चर कॉलेज में था, एग्रीकल्चर कॉलेज का ये गर्ल्स हॉस्टल है, देख सकते हैं आप लोग। और कुत्ता हम लोग का भयानक पीछा कर रहा है भैया, कहाँ घुस गया है लोग, कुत्ता उतरने के साथ सारा दौड़ जाएगा, शीशा बंद कर लेते हैं गाइस, डर के मारे मैंने भैया शीशा बंद कर लिया है। और आप देख सकते हैं कुत्ता वहाँ पे भयानक सा दौड़ रहा है, भैया को सारा लगता है काट खाएगा हम लोग को, काफी भयानक डर लग रहा है, उतर आते भाई गाड़ी में बैठे रहेंगे सारा, हे भाई छोड़ दो ना पीछा काटने के लिए। लेकिन कुछ नमूना देख रहे हैं, बिहार में यही होता है भैया, कोई चीज दीजिए उसका पूरा इस्तेमाल करता, चलो चलो पूरा ऊपर चलो। और दूसरा नमूना है, नहीं नहीं चलो ना रे पागल आदमी, मार दे पैर में बड़ी तरह से। पूर्णिया 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 बहुत अच्छा पढ़ लेता है, लेकिन लेकिन लंडा जो है। और अभी लाया गया हम लोग को फील्ड विजिट में, तो यहाँ देख सकते हैं गेहूं की जो रुपाई हुई है मशीन द्वारा हुई है, धान कट करके डायरेक्ट मतलब मशीन द्वारा, जो कि आप लोग को दिखेगा एकदम जैसे लगता है रोपा हुआ है लाइन लाइन। कई एकड़ मतलब 100 एकड़ से प्लस में है ये कॉलेज का, जहाँ खेत वेत लगाता है। और हम लोग अभी जा रहे हैं विजिट पे, और यह है जीरो टिलेज मशीन, इसी के द्वारा मतलब वो गेहूं के जो बुआई होती है इसी मशीन के द्वारा। खुलता कहाँ है भाई ये, अच्छा लगता है मशीन से खुलता होगा, एक में बीज एक में खाद डलता है इसमें। ये सामने वाला मशीन आता है जीरो टिलेज मशीन, इसमें ये पीछे वाला सिस्टम नहीं रहता, उसमें पीछे में अलग से लगा रहता है बॉक्स एक, उसमें वो गरारी टाइप का रहता है तो उसी से घूमता है, उसी में बीज गिरता है, ये एक इसी बीज इसी से गिरेगा। खाना खा लेंगे, तो भाई हम लोग का क्लास हो गया कंप्लीट, और जो था मतलब फील्ड विजिट वो सब वर्क कंप्लीट हो चुका है, और अब जा रहे हैं पहले कुछ नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। नहीं मेरा तो कनेक्ट नहीं होगा, शायद चेक कर लेते हैं, लेट मी चेक फर्स्ट। ओ सर हाँ मेरे से कनेक्ट है, तो भाई डिस्कनेक्ट कर दीजिए। तो भैया अब निकलते हैं फिर, कुछ नाश्ता वास्ता करके फिर निकलेंगे घर के लिए, काम तो बहुत था लेकिन आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आएंगे फिर किस दिन, 15 को फिर मेरा क्लास है, 15 को फिर उसके ऊपर बोलो, 15 को फिर क्लास करके जो सीस का होगा 15 को करेंगे।
तो अब आ चुके हैं क्या कहते हैं पिज्जा हट में पिज्जा खाने के लिए, क्योंकि भूख काफी लग चुका था और समय कम से कम 4 बज चुका होगा। तो पहले कुछ ये पिज्जा आता है, पिज्जा ऑर्डर कर दिए हैं तो वो खाते हैं फिर निकलेंगे घर के लिए। तो ये बच्चा का मतलब है कि 70 रुपये हमें देगा, हम लोग पैसा दे करके इसको, अरे पहले दिए 40, 30 और दे दो। तो भैया उसको दे दिए हैं पैसा और वो जा करके खुद से ऑर्डर करके खाएगा। नहीं नहीं देगा 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 अभी हम देता है कि नहीं देता है क्या करता है डिस्कशन चल रहा है। तो भाई देख रहे हैं पिज्जा हट में, देखते हैं वो बच्चे को पैसे दे के हम लोग ने भेजा है कि भाई जाओ कुछ ऑर्डर करके खा लेना, तो देखते हैं कि उसको देता है या नहीं। क्या तुम खाना खाएगा? खाना तो तुमको यहीं पे पिज्जा दे दिया। क्या नाम है? सोहेल नाम। और दिन भर में मतलब कितना बैलून बेच देता है? कितना बैलून बेचता है? नहीं बेचता। मैं पढ़ाई करते हैं बंगाली स्कूल। बंगाली कितना क्लास में है? 2 क्लास। 2 में है। लैटिन का स्पेलिंग बोलना उन्हें इसका? नहीं आता आता। कौन से क्लास में? किस क्लास में पढ़ता है? 2 क्लास में बंगाली स्कूल पढ़ाता है। पढ़ाता है? जो देखा है हमको देखा है पहले। कहाँ घर? कहाँ कहाँ घर? क्या पापा क्या करते हैं? क्या गाय तुम? तीन भाई ने भाई है। अकेले भाई पढ़ता नहीं, पढ़ाई नहीं करता है? पढ़ाई करते हैं अगर लिखने जाता है। हिंदी मारता है? पढ़ाता नहीं है। कौन सा स्कूल में मास्टर हिंदी मारता है? कौन सा स्कूल में? तो बात ऐसा है कि ये लड़का मिला हम लोग को तो बोला भैया कुछ दीजिए खाएंगे, सुबह से खाए नहीं है। तो हम लोगों ने इसके मतलब 30 रुपया दिया। तो बोलता है भैया पिज्ज़ा खाएंगे, तो हम लोग को फिर काउंटर पे गया तो इसको बोला कि 70 रुपया लेकर के आइए, 70 रुपया लेकर के आओ तो तुमको मतलब मिल जाएगा खाना। फिर जब 70 रुपया लेकर के इसको भेजे वहाँ पे, तो इसको बोलती है कि जाओ इस पैसा से चावल और जो मतलब होता है बाहर से खरीद करके खा लेना। इसको खाना है पिज्ज़ा जिसके लिए 70 रुपया मांगा तो हम लोग दे दिए। लेकिन जब इसको पिज्ज़ा खाना है तो इसको पहले भाई तब अगर समझ रहे हैं यार हमको भी आता तो भाई जब नहीं देना था तो पहले बोल देते कि भाई 200 में आता है 200 में लीजिए। तो नहीं भाई 70 रुपया लाओ दे देते हैं, तो फिर 70 रुपया लेके गया तो फिर बोलता है नहीं इसमें नहीं मिलेगा आपको, ये तो फिर गलत बात है भैया। और पहले क्लास किए फिर उसके बाद गए पिज्ज़ा खाने, पिज्ज़ा वज़ा खा लिए और अब फिर निकल चुके हैं घर के लिए। साथ में भैया पीछे शुभम भैया जैसे आए थे वैसे नहीं, पहले आने टाइम में आतिक था अभी शुभम भाई है बीच में हम, तो अब उसके बाद बीच में फिर हम आगे गए। ऐसे चल रहा है ये सब तो चलते रहता है सिलसिला। फिर नेक्स्ट क्लास शायद 15 तारीख को सर बोले हैं क्योंकि 14 को 16 को, क्योंकि 15 और 14 को है मकर संक्रांति। तो आप लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएँ मेरे और मेरे फ्रेंड के तरफ से। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारे शुभकामनाएं सभी को। दही चूड़ा का इन्विटेशन है 14 सॉरी हाँ, तो विजय खेमका जी के द्वारा आज हम लोगों को 14 तारीख को कला भवन में दही चूड़ा खाने का इन्विटेशन है। विजय खेमका जी हम लोगों को कॉलेज में आज बोले कि आप लोग आइए 14 तारीख को कला भवन में, आप लोगों को मेरे तरफ से मतलब जो भी है प्रोग्राम है और दही चूड़ा खाइए। तो हम लोग तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन जिसको जाने का होगा जा सकते हैं।